अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी में दिन भर आयोजनों का दौर चलता रहा। स्त्री शक्ति के सम्मान में कई आयोजन हुए। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ने जनसंपर्क और पत्रकारिता से जुड़ी महिलाओं को अचला और उदिता सम्मान से सम्मानित किया। यह कार्यक्रम सबधाणी कोचिंग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में दखल न्यूज की एडिटर शेफाली गुप्ता को अचला सम्मान से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास बात तो ये रही कि महिलाओं के सम्मान में पुरुष वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं की हुंकार हर कोने में गूंज रही है। ऐसे में जब मौका महिला दिवस का था तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ने उन महिलाओं का सम्मान किया जो अपने अपने क्षेत्र में या तो अंगद की तरह कदम जमा चुकी हैं या फिर सूर्य की तरह उदय हो रही हैं। इन महिलाओं को सम्मान देने में मुख्य भूमिका पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के अध्यक्ष पुष्पेंद्रपाल सिंह और मनोज द्विवेदी की रही। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और बड़ा उत्साह था लोगों में, और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहाने कम से कम हम महिलाओं के योगदान को याद करते हैं, लेकिन फिर भी ये बात होनी चाहिए कि एक दिन नहीं होना चाहिए। महिलाओं के सम्मान को हमें हर दिन रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको समानता का दर्जा देना चाहिए, उनके निर्णयों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य और हम चाह रहे हैं कि लगातार महिलाओं को आगे लाएँ, उनके योगदान को हम समाज के बीच में ले जाएं, जिससे कि समाज के बीच में उनका सम्मान बढ़े और उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को, उनकी योग्यता को समाज समझे और उनको कैसे लीडरशिप दी जा सकती है, इस पर विचार किया। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो आज कार्यक्रम आयोजित किया महिला दिवस के अवसर पर, इसका उद्देश्य ये था कि जो पत्रकारिता में, मीडिया शिक्षा में और जनसंचार के क्षेत्र में और साथ में जनसंपर्क के क्षेत्र में कार्यरत जो महिलाएं हैं उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ना, जिससे कि वो बेहतर कार्य कर सकें, समाज को बेहतर आउटपुट दे सकें और उनमें एक मोटिवेशन हो, इसलिए पुरस्कार दिया है। ये हमारा दूसरा साल है जो हमने पुरस्कार दिया है, ये क्रम हमारा निरंतर जारी रहेगा। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई वरिष्ठ पत्रकार अमृता राय ने कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार सदियों से था मगर पुरुषों ने उसे छीन लिया, मगर अब महिलाएं फिर से मुख्य धारा में लौट रही हैं और अपने निर्णय भी लेती हैं। मोबाइल उनके हाथ में है जिससे वो पूरी दुनिया को जान पाती हैं। जब हम निर्णय लेने की बात कर रहे थे, मैं मानती हूँ निर्णय महिलाओं के हाथ में आना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल इतिहास में हमें दिखता है, एक या अनेक एग्जाम्पल जिनके जिनके बारे में हमने बात की। अगर महिलाओं के हाथ में निर्णय का या फैसले का अधिकार हो तो इन महिला शासकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते। मुख्य अतिथि के रूप में आए जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि ने कहा कि महिलाओं को निर्णय कहाँ हो रहा है वहाँ पहुँचना होगा। गोल ये है, मतलब शुद्ध रूप से अगर हम बात करें तो गोल वो है जहाँ पर निर्णय लेने की, मतलब जहाँ पर निर्णय होते हैं वहाँ पहुँचना है। जितना मैं समझता हूँ व्यवस्था के बारे में, जहाँ कहीं पे भी निर्णय होते हैं वहाँ उस महिला को। अजीत राय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं का दखल हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, रंगमंच पर भी अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये जो है ना कि औरतों को स्वावलंबन की ओर जाना होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनको आज़ादी, एक तो निर्भयता, माने यदि उनका जीवन भयमुक्त हो जाए तो वो आज जो कर रही हैं उससे 10 गुना ज़्यादा समाज को कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। और दूसरी है आत्मविश्वास, क्योंकि निर्भयता और आत्मविश्वास दो मूल मंत्र हैं जो कि आर्थिक आज़ादी से आती है, सामाजिक आज़ादी से आती है या मानसिक आज़ादी से आती है। तो उनमें ताकत है, उनमें मादा है, वो थकती नहीं है काम करके, आप देखिए। और पूरा जो यूरोप मैंने कहा उसको औरतों ने बनाया है, आधुनिक यूरोप जो इतना आगे गया, तो अमेरिका को औरतों ने बनाया है। तो हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में उनकी शक्ति लगे तो हमारा राष्ट्र बहुत आगे जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर ने कहा कि पहले महिलाओं का अकेले बाहर जाना भी गलत माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। जहाँ तक महिलाओं की स्थितियों पर, हालातों पर सोचने विचारने बात करने की बात है, कई बार लगता है मुझे किसी एक महिला को समझने में पूरा उम्र निकल जाती है और नहीं लगता कि हम उस महिला को समझ पाए। तो पूरी महिलाओं के पूरी समुदाय को समझना और बात करना बहुत मुश्किल काम है। वरिष्ठ पत्रकार मेरी सहेली की एडिटर कमला वडोनी और जी बिजनेस एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने भी महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी, अपने विचार रखे।
हम लोग अभी मध्य प्रदेश में पहली बार ये मेरी जर्नी थी और पुष्पेंद्र जी ने इस इवेंट के लिए बुलाया था। पहली बार किसी शहर में 36 महिलाओं को वुमेंस डे के लिए सम्मानित किया गया और उससे बड़ी बात कि ये अचीवर्स बहुत लॉन्ग जर्नी लेकर भी आए और छोटी जर्नी लेकर भी आए, तो हमने सबकी बात सुनी और महिला दिवस को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखा गया है और वुमेंस डे को सेलिब्रेट इससे बेहतर तरीके से कैसे करा जाए, जहां हम देखते हैं कि जो वुमेन अचीवर्स हैं, यंग एस्पायरिंग वुमेन जो जर्नलिज्म फील्ड से हैं, उनको सराहाया गया। आई थिंक बहुत ही बढ़िया थॉट था और बहुत सारे इसमें इंस्पायरिंग स्टोरीज मिली। इतना बढ़िया काम किया है इन वुमेन ने। कार्यक्रम के सहयोगी आनंद सबधाणी ने कहा कि हर दिन महिलाओं का होता है, महिलाओं का सम्मान हर रोज होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी और सबधाणी कोचिंग द्वारा मिलकर आज एक सम्मान कार्यक्रम रखा गया जिसका नाम उदिता अचला सम्मान कार्यक्रम था। लगभग 36 महिलाओं को जिन्होंने मीडिया जगत में, भले प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, उन लोगों को सम्मानित करने की हम लोगों ने कोशिश की है आज यहाँ पर। आज के दिन जितने भी चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, उनको मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो महिला है वो अपने आप में आधी आबादी है, लेकिन पूरी आबादी को बनाने वाली ये महिला है। उस महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें रोज महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। विधायक कुणाल चौधरी ने महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बधाई दी और स्त्री शक्ति को नमन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने महिला पत्रकारों का एक सम्मान किया, क्योंकि जिन परिस्थितियों में महिला पत्रकार दिन रात इस देश के चौथे स्तंभ को बनाने के लिए जो काम करते हैं, पत्रकारों के अंदर जो काम होता है, वो लगातार इस देश के लोकतंत्र के प्रति जिस सजगता के साथ काम कर सकते हैं, आज उनको सम्मानित किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी जिनको ये अवार्ड मिला और बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को बधाई। इस अवसर पर अंचला सम्मान से दखल न्यूज की एडिटर शेफाली गुप्ता, श्रद्धा बोस, आशा रोमन, डॉक्टर साधना गंगराड़े, डॉक्टर अंजना तिवारी, डॉक्टर अस्मा रिजवान, डॉक्टर बबीता अग्रवाल, डॉक्टर राखी तिवारी, डॉक्टर आरती सारंग, सुमन त्रिपाठी, रंजना चितले, रश्मि शुक्ला, शीतल राय, विभा शर्मा, पल्लवी वघेल, गरिमा पटेल, मुक्ता पाठक, पूर्व शर्मा, सीमा श्रीवास्तव, आयुषी सक्सेना, डॉक्टर जया सुरजानी को भी सम्मानित किया गया। वहीं सोनी यादव, डॉक्टर अनु श्रीवास्तव, राखी नंदवानी, उपमिता वाजपेयी, सुधा कुमार, अंजलि राय, ममता यादव, आकांक्षा शर्मा, दीक्षा मीणा, कीर्ति श्रीवास्तव, दीपाली विर्क, भूमिका बिरथरे, करिश्मा सचदेव, अनादि तिवारी और रश्क गौरी को उदिता सम्मान से नवाजा गया। बहुत ही खुशी का क्षण है मेरे लिए कि इतने समय के कार्य को एक पहचान मिली और मैं आज महिला दिवस के अवसर पर जो है सभी महिलाओं को, चाहे वो काम करने वाली महिलाएं हैं या घर में रहकर काम करने वाली महिलाएं हैं, जो भी हो, जहां भी अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, घर को संवार रही हैं, उन सभी महिलाओं को जो है बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।